हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण बालकांड तृतीय सर्ग भगवान का जन्म और बाल लीला। श्री महादेव शंकर जी बोले, एक बार सकल लोक प्रसिद्ध सत्परायण श्रीमान अयोध्यापति वीरवर महाराज दशरथ ने पुत्र के ना होने से अत्यंत दुखित हो अपने कुल के आचार्य गुरुवर वशिष्ठ जी को बुला उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा, स्वामी यह बताइए कि मेरे सर्व सुलक्षणों से संपन्न पुत्र किस प्रकार हो सकते हैं, क्योंकि बिना पुत्र के यह संपूर्ण राज्य मुझे दुख रूप हो रहा है। तब राजा दशरथ से वशिष्ठ जी ने कहा, तुम्हारे साक्षात दूसरे लोकपालों के समान अत्यंत सामर्थ्यवान चार पुत्र होंगे। तुम शांता के पति तपोवन तपोधन श्रृंगय शिष्य शंग को बुलाकर शीघ्र ही हमें साथ लेकर पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान करो। राजा ने बहुत अच्छा कहकर मुनिवर शिष्य शृंग को बुलाया और मंत्रियों के सहित पवित्र होकर निष्पाप मुनिजनों की सहायता से यज्ञ अनुष्ठान आरंभ किया। यज्ञ अनुष्ठान के समय अग्नि में श्रद्धापूर्वक आहुति देने पर तप्त सुवर्ण के समान दीप्तमान हव्यवाहन भगवान अग्नि एक स्वर्ण पात्र में पायस लेकर प्रकट हुए और बोले, हे राजन, यह देवताओं की बनाई हुई पुत्र प्रदायिनी दिव्य खीर खा लो। इसके द्वारा तुम निसंदेह साक्षात परमात्मा को पुत्र रूप से प्राप्त करोगी। अग्निदेव ऐसा कहकर वह खीर राजा को देकर अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर राजा ने सफल मरोहत हो मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ और शश्यशंग की चरण वंदना की और उन दोनों की आज्ञा से बड़ी सावधानी के साथ वह हवि महारानी कौशल्या और केकई के में आदि आदि बांट दी। तदंतर उस पुत्र देने वाले चरु को लेने की इच्छा से सुमित्रा जी भी वहां आ पहुंची। इस पर कौशल्या जी ने प्रसन्नतापूर्वक अपने भाग में से आधा उन्हें दे दिया तथा केकई ने भी प्रीतिपूर्वक अपने भाग में से आधा सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार उस हवि को खाकर सभी रानियां गर्भवती हो गई। वे तीनों रानियां उस राजभवन में अपनी कांति से देवताओं के समान शोभा पाने लगी। फिर दसवां महीना लगने पर कौशल्या ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवी के दिन शुभ कर्क लग्न में पुनर्वसु नक्षत्र के समय, जबकि पांच ग्रह उच्च स्थान में तथा सूर्य मेष राशि पर थे, तब मध्याह्न काल में सनातन परमात्मा जगन्नाथ का आविर्भाव हुआ। उस समय आकाश दिव्य पुष्पों की वर्षा से पूर्ण हो गया, जो नील कमल दल के समान श्याम वर्ण हैं, पीतांबर पहने हुए हैं और चार पूजाएं धारण किए हैं तथा जिनके नेत्रों के भीतर का भाग अरुण कमल के समान शोभायमान है, कानों में कांतिमान कुंडल सुशोभित हैं, हजारों सूर्यों के समान जिनका प्रकाश है, जिनके सिर पर प्रकाशमान मुकुट और घुंघराली अलके हैं, हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म तथा गले में वैजंती माला विद्यमान हैं, जिनके मुख कमल पर हृदयस्थ अनुग्रह रूप चंद्रमा की सूचना देने वाले मुस्कान रूप चंद्रिका छिटक रही है, जिनके करुणा रसपूर्ण नयन कमल दल के समान विशाल हैं तथा जो श्रीवत्स हार के यूर और नुपुर आदि आभूषणों से सुशोभित हैं, पुत्र रूप से प्रकट हुए उन परमात्मा को देखकर कौशल्या जी ने विस्मय से व्याकुल हो नेत्रों में आनंद अश्रु भर हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहा। तब कौशल्या जी बोली, हे देव देव, आपको नमस्कार है। हे शंख चक्र गदाधर, आप अच्युत और अनंत परमात्मा हैं तथा सर्वत्र पूर्ण पुरुषोत्तम है। वेदवाणी गण आपको मन और वाणी आदि के अविषय तथा इंद्रियों से अतीत सत्ता मात्र और एकमात्र ज्ञान स्वरूप बतलाते हैं। आप ही अपनी माया से
सत्व रज और तम इन तीनों गुणों से युक्त होकर इस विश्व की रचना पालन और श्रृंगार करते हैं, तथापि वास्तव में आप सदा निर्मल तुरीय पद में स्थित हैं। आप कर्ता नहीं हैं, तथापि करते से प्रतीत होते हैं, चलते नहीं हैं फिर भी चलते से मालूम होते हैं, ना सुनते हुए भी सुनते से दिखाई देते हैं, और ना देखकर भी देखते हुए से प्रतीत होते हैं। भगवती श्रुति भी कहती है कि आप प्राण और मन से रहित तथा शुद्ध हैं, आप समस्त प्राणियों में समान भाव से स्थित हैं, तथापि जिनका अंतःकरण अज्ञान अंधकार से ढका हुआ है उन्हें आप दिखाई नहीं देते, आपका साक्षात्कार सुबुद्धि पुरुषों को ही होता है। हे भगवान, आपके उदर में अनेकों ब्रह्मांड परमाणुओं के समान दिखाई देते हैं, तथापि आपके मेरे पेट से जन्म लिया ऐसा जो आप लोगों में प्रकट कर रहे हैं, इससे मैंने आज आपकी भक्त वत्सलता देख ली। हे प्रभो, मैं आपकी माया से मोहित होकर संसार सागर में डूबी हुई पति पुत्र और धन आदि के फेर में पड़ रही थी, आज परम सौभाग्यवश आपके चरण कमलों की शरण में आई हूँ। हे देव, आपकी यह मनोहर मूर्ति सदा मेरे हृदय में विराजमान रहे और आपकी विश्व विमोहिनी माया मुझे ना व्यापे। हे विश्वात्मा, आपने इस अलौकिक रूप का उपसंहार कीजिए और परम आनंददायक सुकोमल बाल रूप धारण कीजिए, जिसके अति सुखद आलिंगन और संभाषण आदि से मैं घोर अंधकार को पार कर जाऊंगी। तब श्री भगवान बोले, हे माते, आप जो जो चाहती हैं वही हो, उसके विरुद्ध कुछ भी ना हो। पूर्व काल में मुझसे पृथ्वी का भार उतारने के लिए ब्रह्मा ने प्रार्थना की थी, अतः रावण आदि निशाचरों को मारने के लिए ही मैंने मनुष्य रूप अवतार लिया है। हे आनंदिते दशरथ जी के सहित तुमने भी मुझे पुत्र रूप से प्राप्त करने की इच्छा से तपस्या करते हुए मेरी आराधना की थी, उसी को मैंने इस समय प्रकट होकर पूर्ण किया है। तुमने अपने पूर्व तपस्या के फल से ही मेरा यह दिव्य रूप देखा है, मेरा दर्शन मोक्षपद देने वाला होता है। पुण्यहीन जनों के लिए इसका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। जो व्यक्ति हमारे इस संवाद को पढ़ेगा या सुनेगा वह मेरी सारूप्य मुक्ति प्राप्त करेगा और मरण काल में उसे मेरी स्मृति बनी रहेगी। माता से इस प्रकार कह भगवान बाल रूप होकर रोने लगे। उनका बाल रूप भी इंद्र नीलमणि के समान श्याम वर्ण बड़े बड़े नेत्रों वाला और अति सुंदर था। वह प्रभातकालीन बाल सूर्य के समान अरुण ज्योतिर्मय था। भगवान ने अवतरित होकर उस सुमनोहर बाल रूप से भी सभी लोकपालों को परम आनंदित कर दिया। तत्पश्चात जब महाराज दशरथ जी ने पुत्र उत्पत्ति रूप उत्सव का शुभ समाचार सुना तो वे मानो आनंद समुद्र में डूब गए और गुरु वशिष्ठ के साथ राजभवन में आए। वहां आकर कमल नयन राम को देखकर वे आनंद अश्रुओं से पूर्ण हो गए और गुरुजी द्वारा उनके जात कर्म आदि आवश्यक संस्कार कराए। तदंतर कमल नयनी के कई से भरत का जन्म हुआ और सुमित्रा से पूर्ण चंद्र के समान मुख वाले दो यमज बालक उत्पन्न हुए। उस समय महाराज दशरथ ने अति उत्साहपूर्वक सहस्रों ग्राम बहुत सा स्वर्ण अनेक रत्न नाना प्रकार के वस्त्र और शुभ लक्षणों वाली अनेक गोए ब्राह्मणों को दान दी। विज्ञान के द्वारा अज्ञान के नष्ट हो जाने पर मुनिजन जिनमें रमण करते हैं अथवा जो अपनी सुंदरता से भक्त जनों के चित्तों को रमाते आनंदमय करते हैं उनका नाम गुरु वशिष्ठ ने राम रखा। इसी प्रकार गुरु जी ने संसार का पोषण करने वाला होने से दूसरे पुत्र का नाम भरत, समस्त सुलक्षण संपन्न होने से तीसरे का नाम लक्ष्मण और शत्रुओं का घातक होने से चौथे पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखा। कौशल्या और केकई के दिए हुए पायस सांशों के अनुसार लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के और शत्रुघ्न जी भरत जी के
जोड़ीदार होकर रहने लगे। लक्ष्मण जी के साथ विचरते हुए श्री रामचंद्र जी अपनी बाल लीलाओं, चेष्टाओं और भोली भाली बातों से माता पिता को आनंदित करने लगे, जिसके ललाट पर मोतियों से सजाया हुआ दैदीप्यमान सुवर्णमय अश्वत्थ पत्र, पीपल का पत्ता तथा गले में रत्न और मणि समूह के साथ बीच बीच में व्याघ्र नख सजा कर गुथी हुई लड़ियां सुशोभित हैं, कानों में अर्जुन वृक्ष के कच्चे फलों के समान रत्न जड़ित सुवर्ण आभूषण लटक रहे हैं तथा जो झनकारते हुए मणिमय नुपुर सुवर्ण मेखला और बाजूबंद से सुशोभित हैं, उस इंद्रनील मणि की सी आभा वाले और स्वल्प दांतों से युक्त मुस्कुराते हुए मुख वाले बालक को राजभवन के आंगन में बछड़े के पीछे पीछे सब और बालगति से दौड़ते हुए देख महाराज दशरथ और माता कौशल्या अति आनंदित होते थे। जिस समय महाराज भोजन करते बैठते तो राम आ ऐसा कह कह कर अति हर्ष और प्रेम पूर्वक उन्हें बारंबार बुलाते, जब खेल में लगे रहने के कारण वे ना आते तो वे कौशल्या से इसे पकड़ ला ऐसा कह कर कहते, किंतु जो योगी जनों के चित्त के एकमात्र आश्रय हैं ऐसे पुत्र को कौशल्या जी हंसकर दौड़ती हुई भी ना पकड़ पाती। उस समय माता को थकी देखकर वे स्वयं ही कीच में सने हुए हाथों से हंसते हंसते वहाँ आ जाते और एक आध ग्रास खा कर ही फिर भाग जाते। माता कौशल्या राम को भली प्रकार वस्त्र आभूषण पहनाकर प्रति मास नाना प्रकार की मिठाई बनाकर उत्सव मनाया करती थी और वर्षगांठ के दिन भी पुआ लड्डू जलेबी कचौरी आदि विविध व्यंजन बनाकर उत्सव मनाती थी। राम की चपलता के कारण कौशल्या ने घर का काम करना छोड़ दिया था। एक दिन राम जी माता के पास आए और बोले, माता मुझे कुछ खाने को दो। किंतु काम में लगी होने से माता ने ना सुना, तब क्रोधित होकर उन्होंने डंडे से सब बर्तन फोड़ डाले तथा छीके पर रखे हुए गोरस और माखन को गिरा लिया और उसे तथा वहाँ रखे हुए समस्त दूध दही को भी क्रमशः लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न में बांट दिया। तब रसोइये ने जाकर माता कौशल्या से कहा, वह हंसती हुई पकड़ने को दौड़ी। माता को आती देखकर वे सब बालक भाग गए। माता कौशल्या भी उनके पीछे दौड़ी किंतु वे पग पग पर फिसलने लगी। अंत में उन्होंने राम को पकड़ लिया किंतु कहा कुछ भी नहीं। उस समय राम जी बाल भाव से धीरे धीरे रोने लगे। तब उन सबको भयभीत देकर माता ने उन्हें बड़े प्रेम से हृदय लगाकर प्यार किया। इस प्रकार जगत नंद कारक आनंद घन भगवान राम माया में बाल रूप धारण कर राज दंपत्ति दशरथ और कौशल्या जी को आनंदित करने लगे। कुछ साल बीतने पर उन चारों भाइयों ने कुमार अवस्था में प्रवेश किया। तब वशिष्ठ जी ने उनका उपनयन संस्कार किया और लीला से ही नर रूप धारण करने वाले संपूर्ण लोकों के स्वामी, समस्त शास्त्रों का मर्म जानने वाले तथा धनुर्वेद आदि संपूर्ण विद्याओं के पारगामी हो गए। उन सब भाइयों में लक्ष्मण जी सेव्य सेवक भाव से आदर पूर्वक सदा रामचंद्र जी का अनुगमन करते थे और उसी प्रकार शत्रुघ्न जी भी सदा भरत जी की सेवा में उपस्थित रहते थे। भगवान राम नित्य प्रति लक्ष्मण जी के सहित धनुष बाण और तरकश धारण कर घोड़े पर सवार हो दुष्ट पशुओं को मारने के लिए वन को जाते और वहां उन सिंह व्याघ्रादि को मारकर उन सब की बात पिताजी को निवेदन कर देते। प्रातःकाल उठकर स्नान करने के अनंतर वे माता पिता को प्रणाम करते और फिर नम्रता पूर्वक नगर निवासियों के समस्त कार्य करते। फिर भाइयों सहित भोजन करके नित्य प्रति मुनिजनों से धर्मशास्त्रों का मर्म सुनते और स्वयं भी उनकी व्याख्या करते। इस प्रकार अविकारी और परिणामहीन परमात्मा ने मनुष्य अवतार लेकर मनुष्यों के आचरण का अनुगमन करते हुए समस्त कर्म किए, पर विचार करके देखा जाए तो वे कुछ भी नहीं करते थे। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे बालकांडे
तृतीय सर्ग समाप्त। हरि ओम तत्सत।